अच्छा, आपके पास जो सर्कुलर मोशन के एमसीक्यूज हैं वो तो बहुत बेसिक सी हैं। आपके पास जिस तरह ये एक फर्स्ट केस गिवन के सामने, ठीक है, इसमें आपके पास प्लैनेट है, जिस तरह हम प्लैनेट की एग्जांपल की डिस्कस कर रहे थे, तो इसमें भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई होगी। और क्योंकि मून हमारे पास जो है वो साइज में कंपैरिजन में कम है अर्थ के, तो जो मास में ग्रेटर होता है वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। ये आपके पास यूनिवर्सल लॉ है अट्रैक्शन का, ये भी ग्रेविटेशन में इंक्लूड होता है, ये भी हम ए लेवल्स में पढ़ेंगे। तो बेसिकली अभी आपने सिर्फ ये बताना है कि विच एरो रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन बतानी है आपने। सी अच्छा देखो, रिजल्टेंट फोर्स अभी हमने डिस्कस किया था कि वो हमेशा टूवर्ड्स द सेंटर होगी। बेसिकली वो आपसे सेंट्रिपिटल फोर्स ही पूछ रहे हैं, क्योंकि अभी हमने डेफिनेशन में क्या लिखा था, द रिजल्टेंट फोर्स। फोर्स दैट तो कॉजेस द ओके ये यस, सेंट्रिपिटल इट्स गोना फोर्स, बी द वन गोइंग टुवर्ड्स द सन। यस। तो आपके पास उसमें हम ए को ही टिक करेंगे क्योंकि ये टुवर्ड्स द सेंटर है। और आपको मल्टीपल क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे देंगे, सर्कल चेक दिया, क्वेश्चन आइडेंटिफाई किया आपने, ये रहा आपके पास एक क्वेश्चन। A car moves in a circle at constant speed. What is the direction of the resultant force acting on the car? Center of circle turned by car. Obviously B, because it's the Towards the center force, centripetal force. ठीक है। हम इसमें फोर्सेस के भी क्वेश्चन कंसिडर कर लेंगे साथ, ताकि जो फोर्स भी हमने डिस्कस किया अभी आइडिया हो जाए। अच्छा, ये वाला कॉन्सेप्ट आप देखो, अगर रिजल्टेंट फोर्स का, तो बहुत इजी है। आपने इसमें रिजल्टेंट फोर्स बताना है कि कितनी है, 4 न्यूटन, क्योंकि 2 और 2 कैंसिल आउट होगी, सिर्फ टू और टू आपका कैंसिल, और 8 माइनस 4 इज 4। ये 4 न्यूटन आपको लेफ्ट साइड की रिजल्टेंट मिल जाएगी। अच्छा, ये क्वेश्चन है फोर्स से रिलेटेड। A metal ball of mass 0.30 kg and weight 3.0 newtons is held so that it is below the surface of oil. Below the surface of oil, it experiences an upward force of 0.30 newtons. When the ball is released, what is its initial acceleration? Acceleration, mass into acceleration. Okay, mass is given, acceleration to near, force is given as well. तो फोर्स इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स ओवर मास इक्वल्स एक्सेलरेशन। ठीक है, अब आपको इतना तो क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट कि फॉर्मूला तो ये यूज होना है। अब सिर्फ प्रॉब्लम ये आएगा कि फोर्सेस देखनी है कि कौन सी है, ठीक है, क्योंकि एक फोर्स एक्ट कर रही है डाउनवर्ड और एक फोर्स एक्ट कर रही है अपवर्ड। तो आप क्या करोगे, 3 माइनस 0.30 करके और रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट कर लोगे, क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट है, ठीक है। और जब आप बॉल को रिलीज करोगे तो डेफिनेटली बॉल डाउनवर्ड जाएगी, ठीक है। इनिशियली आपको पता है फ्री फॉल में यही होता है कि आपके पास इनिशियली एक्सेलरेशन इंक्रीज होती है, मैक्सिमम होती है, फिर डिक्रीज होके होते वो 0 पर चली जाती है। फिर 0 PS, सो इट्स फोर्स इज गोना बी 3 माइनस 0.3, व्हिच इज 2.7 ओवर 0.30। ठीक है, तो इससे आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा अपना एक्सेलरेशन का। ओके, तो ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट हो गया बहुत सिंपल। तो आंसर आपके क्या मिल रहा है यहाँ पे, मैक्सिन इज द 7। कैलकुलेटर, या सॉरी, 2.7 डिवाइडेड बाय 0.39 बी, या वो 3 9 27 वाला कॉन्सेप्ट है। और आप देखो कि आपके पास इसमें एक पूछिए न्यू के सर्कुलर का ही कॉन्सेप्ट है, और अर्थ ट्रैवल कर रही है अराउंड द सन कॉन्स्टेंट स्पीड से। अराउंड द सर्कल्स स्पीच, व्हिच एरोस शो द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ एंड द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द अर्थ। डायरेक्शन इज
डायरेक्शन इज क्यू. अब आपने ये बताना है कि अभी हमने जो सर्कुलर मोशन में डायरेक्शंस मार्क की थी, उसमें स्पीड की भी डायरेक्शन थी, एक्सेलरेशन की भी थी। तो वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि आपने डायरेक्शन आइडेंटिफाई करनी है कि किस क्वांटिटी की डायरेक्शन कहाँ पर है। ठीक है, तो अगर हम देखें इस स्पीड की डायरेक्शन, तो स्पीड की डायरेक्शन कहाँ पर है? क्यू पे. क्यू पर, बिल्कुल सही। और एक्सेलरेशन वर्ड्स आर टुवर्ड्स आर। और इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास इसका आंसर क्या होना चाहिए, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन जो है वो आर पे हो और वेलोसिटी जो है वो क्यू पर हो, तो डी आंसर होगा इसका। ठीक है, दिस इज रियली कंफ्यूजिंग दो, राइट? हाँ, इसमें थोड़ा सा बस प्रॉब्लम ये आता है कि हम अल्फाबेट्स लिखे होते हैं और पूछ कुछ और क्वांटिटी के बारे में रहे होते हैं, तो हमारे माइंड में कुछ और चल रहा होता है, लेकिन क्वेश्चन कुछ और होता है बेसिकली, तो बस यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन आता है, अदरवाइज कॉन्सेप्ट वो आपसे यही पूछेंगे। ठीक है, ओके. अच्छा एक एट वाला क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा सा In डिफरेंट which है। example, okay. In which example does friction act in the direction of forward motion of the object on which it acts? A suitcase accelerating on a conveyor on sandpaper, rubbing a wooden block on the skis of a skier, accelerating downhill on smooth road on the tires of a braking car. Does friction act in the direction in the forward motion? ठीक है, अच्छा इसमें आपको एक फैक्ट बताऊंगा यस. कि फ्रिक्शन को हमने पढ़ा था ऑपोजिट हमेशा। अब इसमें कौन सी एग्जांपल ऐसी कि जिसमें फ्रिक्शन की डायरेक्शन सेम है? ऑनेस्टली आई एम नॉट श्योर, बट आई एम अस्यूमिंग दैट्स ए. ऑन अ सूटकेस, ठीक है आपने कहा ए। अब आप देखो बेसिकली होता क्या कि सूटकेस में सबसे पहली चीज कन्वेयर बेल्ट फॉरवर्ड ही चल रहा होता है और ऑब्जेक्ट भी फॉरवर्ड मूव कर रहा होता है। ठीक है, अब नॉर्मली रोड की अगर एग्जाम्पल लें तो रोड स्टिल होता है, तो अगर आप उसके ऑपोजिट जाने की, फॉरवर्ड जाने की कोशिश करोगे तो उसके मॉलिक्यूल्स तो स्टिल है तो वो आपको रेजिस्ट करेंगे। ठीक है, जिस तरह स्पीड ब्रेकर, स्पीड ब्रेकर आपके पास एक जगह रेस्ट पे होता है और उसकी हाइट थोड़ी सी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से आपकी स्पीड में थोड़ा सा रेजिस्टेंस आती है, वो स्लो हो जाती है। लेकिन अगर आपका सरफेस आपके साथ चलता रहे तो फिर तो कोई रेजिस्टेंस ही नहीं रही, मतलब आपके पास जो फ्रिक्शन है वो भी आपके साथ साथ ही चल रही है फॉरवर्ड। ठीक है, तो बेसिकली कॉन्वेयर बेल्ट में दोनों चीजें फॉरवर्ड होती हैं। There's no, you could say there's no friction either. यस, तो उसमें बेसिकली फ्रिक्शन आपके साथ चल रही है तो इसलिए उसमें मोशन आपकी स्मूथ हो जाती है। ठीक है, और वहां पर फ्रिक्शन की डायरेक्शन अगर होती तो वो फॉरवर्ड ही होती है बेसिकली, और होती भी है, और सैंड पेपर और इन सब एग्जाम्पल में ये नॉर्मल सिचुएशंस हैं, इनमें हमेशा ऑपोजिट ही होती है। ठीक है, लेस होती हो भले, होती ऑपोजिट है। ठीक है, जिस तरह स्काई की उन्होंने एग्जाम्पल दिए कि स्काई मूव कर रहा है डाउन हिल स्मूथ स्नो पे, तो उसमें बहुत लेस होगी फ्रिक्शन, लेकिन स्टिल अगर जितनी भी है वो ऑपोजिट ही है। तो ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा टिपिकल लगता है कुछ लोगों को, लेकिन आपने जल्दी आइडेंटिफाई कर लिया, अच्छी बात है। और उसमें हम नो, थोड़ा दिस डजन हैपन इन द एग्जाम दो. एग्जाम में बहुत हार्ड क्वेश्चंस होते हैं. अच्छा, आप देखो ये, आप देखो अच्छा खासा लेंदी क्वेश्चन है, पूछा सिर्फ वही आपसे। Boy sits on a playground roundabout. The roundabout carries the boy in horizontal anti-clockwise circle. Okay, is the constant speed. What describes the resultant force on the X on the boy? Resultant force is zero. The resultant force is in direction W भी नहीं है, X भी नहीं है. It's Y because Why? Again, same of concept. the centripetal force. बिल्कुल, तो आपसे उसने बहुत इनडायरेक्टली पूछा क्वेश्चन, कहीं पर भी उसने सर्कल और ऐसी कोई बात नहीं की, लेकिन फिर भी आपको पता है कि बात सर्कुलर की ही हो रही है। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 20 आप चेक।
Body slides down a frictionless slope as shown. As the body presses on the surface pushes back on the body. The force on the surface on the body, the force of the surface on the body, sometimes called the reaction force. In which direction does the reaction force act? C. सी, ठीक है। अब इसमें आपको पता है कि हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है रिएक्शन फोर्स, ठीक है, तो या आपका सी होगी। अब नॉर्मली क्या करते हैं बहुत सारे लोग कि वो इससे सरफेस कंसिडर करके और बी को मार्क कर देंगे, ठीक है, हालांकि सरफेस उन्होंने आपको क्लियरली लिखकर और ड्रॉ करके बता दिया कि ये आपके पास इस तरह से स्लोप है, तो आपके पास आंसर भी चेंज होना चाहिए, ठीक सी है। है, ये आपके पास बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और एयरप्लेन में भी यही पूछ रहे हैं आपसे, रोटेशन कहाँ पर डायग्राम होती है। शोज एन एयरब्लो टर्निंग ऑफ द सर्कुलर स्पीच इन विच डायरेक्शन इज द रिजल्टेंट फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स तो इसके नीचे होगी, राइट? अच्छा, अब इसमें पता ग्रेविटेशनल। क्या है, इन्होंने कहा है कि ये हॉरिजॉन्टल मूव करेगा, मतलब ये कुछ इस तरह से मूव हो जाएगा, ठीक है, मतलब 3D में आप इसे कंसिडर करो, ये स्क्रीन से बाहर आकर और आपके लेफ्ट पर चला जाए, ठीक है, तो उस ओके, कंडीशन आपका जो सेंटर होगा वो कहाँ पर होगा, डी में बी पर होगा, ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्योंकि इन्होंने एक 3D एक्सिस में दिया है, तो बेसिकली ये एयरप्लेन आपके पास जो है वो आपकी तरह मूव करते हुए आएगा और वहां से लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब है डी आपका सेंटर होगा क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल का उन्होंने रेफरेंस दिया है, मतलब ये जिस पॉइंट पे है वहां से सिर्फ हॉरिजॉन्टल मूव करेगा, अप एंड डाउन इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ना ये बी पे जा रहा है ना ये सी की तरफ जा रहा है, सी पे जाएगा बस क्या? एक ही एक्सिस पे रहते हुए रोटेट करेगा जेड एक्सिस पर। हार्ट स्टोन हिट्स द ग्राउंड एंड कम्स बैक टू रेस्ट ऑलमोस्ट इमीडिएटली एज द स्टोन हिट्स द ग्राउंड। व्हाट इज द डायरेक्शन एंड द साइज ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द ग्राउंड? ठीक है, अब आपके पास स्टोन ने हिट किया ग्राउंड को और कम्स टू रेस्ट इमीडिएटली, ठीक है, और वो कह रहे हैं कि एज द स्टोन हिट्स द ग्राउंड व्हाट इज द डायरेक्शन एंड द साइज ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द ग्राउंड, फोर्स फोर्स तो डाउनवर्ड्स होगी। डाउनवर्ड होगी, ठीक है, और आपके पास जो उसकी क्वांटिटी है वो कितनी होगी, इक्वल होगी, इक्वल होगी क्योंकि वो बिल्कुल इक्वल स्टॉप हो गया, स्टॉप। अगर लार्जर होती तो देन इट शुड रिटरिकली पेनिट्रेट थ्रू द ग्राउंड। सो व्हाट इज द डायरेक्शन साइज ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द ग्राउंड, डाउनवर्ड एंड इक्वल टू ए द स्टोन, बिल्कुल सही। और क्वेश्चन नंबर 30, An aeroplane is halfway along a runway before it takes off. The arrows show the directions of four forces acting on the aeroplane. Forces on the wheels from the ground, lift acting upon the wings, weight of aeroplane, thrust from the engines. The drag force on the aeroplane are negligible. Gravitational strength is 10 newtons. Kilograms acceleration of the. What is the largest force? The largest force देखा जाए, it's either thrust, it's either lift acting up on the wings. ठीक है, तो बेसिकली अब उन्होंने आपसे पूछा है कि आपकी लार्जेस्ट फोर्स कहाँ पर होगी, उन्होंने आपको एक्सेलरेशन बताई, ग्रेविटेशनल बताई, ड्रैग बताया कि वो नेग्लिजिबल है, एक उन्होंने बस नेग्लिजिबल कंसिडर की कि ड्रैग नेग्लिजिबल मतलब मतलब उसे आप जीरो ही कंसिडर कर लो, मतलब वो ना होने के बराबर है, उसे कंसिडर करना जरूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप But देख probably it could also be force on wheels from the ground. बिल्कुल, तो आपकी डायग्राम में वो फोर्सेस वैसे भी उन्होंने मार्क करके भी नहीं दिखाई, मतलब बैकवर्ड कोई फोर्स दिखाई नहीं, फ्रिक्शन वगैरह, ठीक है, Yeah. तो
और बाकी सारी डायरेक्शन दिखा दी, लिफ्ट, एक्टिंग ऑन द विंग, फोर्स ऑन द व्हील फ्रॉम द ग्राउंड, और अभी ये टेक ऑफ करने वाला है और ये अभी हाफ वे पे है, तो बस आपने बताने कि लार्जेस्ट फोर्स अभी कौन सी है। तो अभी इसने जब टेक ऑफ नहीं किया तो कौन सी फोर्स आपकी ग्रेटर होनी चाहिए? लिफ्ट और लिफ्ट लिफ्ट ग्रेटर होनी चाहिए, लेकिन अभी उसने टेक ऑफ किया नहीं है, अबाउट टू टेक ऑफ है, अभी फिर थ्रस्ट थ्रस्ट फोर्स ग्रेटर होनी चाहिए, ठीक है? उन्होंने इसलिए या आपको ये क्लियर बता दिया कि ये वाली फोर्सेस बिल्कुल आप निग्लेक्ट कर दो, उन्हें कंसिडर करने की जरूरत ही नहीं है। और अब क्योंकि उसने टेक ऑफ ही नहीं किया है तो अपवर्ड डाउनवर्ड अभी भी बैलेंस है, ठीक है? और 45, Propeller on a boat pushes water backwards with a force of 2000 newtons. The boat moves through the water against a total resistive force of 1800 newtons. ठीक है, आपके पास प्रोपेलर पे प्रोपेलर ने जो है वो वाटर को पुश किया बैकवर्ड 2000 न्यूटन से, और बोट ने जो है वो आपके पास, द बोट मूव्स थ्रू द वाटर, और वाटर की जो रेजिस्टिव फोर्स आपको फ्रंट से मिल रही है वो 1800 है। अब वो कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ बेसिकली होता क्या है कि जितनी आपके पास एक्शन फोर्स होगी उतनी आपको रिएक्शन फोर्स मिलेगी, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। आपने बताना है व्हाट इज द फॉरवर्ड फोर्स ऑन द प्रोपेलर ड्यू टू द वाटर, मतलब आई मीन वाटर प्रोपेलर पे कितनी फोर्स अप्लाई करेगा आप? थाउजेंड 2000, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आपने फोर्स अप्लाई की थी वाटर पे प्रोपेलर से 2000, तो वो 2000 आपको दोबारा से मिल जाएगी ऑपोजिट, तभी वो वाटर आपको पुश करेगा फॉरवर्ड। और 1800 रेजिस्टिव फोर्सेस का मतलब है आप 200 न्यूटन की रिजल्टेंट फोर्स से फॉरवर्ड मूव करोगे, ठीक है? या 200 विल बी द रिजल्टेंट फोर्स. अब बहुत सारे लोग करते क्या है, वो जल्दी से 2000 1800 माइनस करके रिजल्टेंट निकाल देंगे, क्योंकि न्यूटन सेकेंड लॉ में रिजल्टेंट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है? वो इस पॉइंट को स्किप कर देते हैं कि वो थर्ड रिएक्शन वाली बात पूछ रहे हैं, ठीक है? और कंफ्यूजन कहाँ आती है इन फ्रेजेस में, ठीक है? इन दो फ्रेज में सिर्फ फोर्स ऑन वाटर ड्यू टू प्रोपेलर और प्रोपेलर ड्यू टू वाटर, ये दो का डिफरेंस है। अगर वो इन दोनों को एक जैसा कंसिडर कर लेंगे तो वो 2000 माइनस 1800 ही करके आएंगे, ठीक है? हालांकि ओके कुछ 200 या ऑपोजिट फोर्स पूछी उन्होंने, ठीक है? या या आपके पास कुछ फोर्सेस के क्वेश्चंस हैं?